दबा दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बार फिर से खुशबू वाली सुगंधा का सच्चा अनुभव लेंगे, ये भाग 9 है। तो चलिए पढ़ते हैं पत्र को इनके और जानते हैं कि आज महादेव की पूजा संबंधित सुगंधा ने क्या बताया है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आज के पत्र में मैं महादेव जी की पूजा विधि बताने जा रहा हूँ और जिस प्रकार सुगंधा ने मुझको समझाया था, दर्शकों को उसी प्रकार समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे और सुगंधा को इतना स्नेह देने के लिए दर्शकों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। गुरुजी, दर्शकों से निवेदन है कि पूजा विधि थोड़ी सी लंबी है तो हो सकता है कि दर्शकों को एक बार में समझ में ना आए, लेकिन 2-3 बार में जब आप लोग सुनेंगे तो समझ में अवश्य ही आ जाएगी। दर्शकों को समझने में कोई परेशानी ना हो इसलिए विधि को 11 हिस्सों में बांट दिया है। गुरुजी, आशीर्वाद की कामना करते हुए आपके चरणों को स्पर्श करता हुआ आज का पत्र शुरू करता हूँ। पूजा के कमरे में प्रवेश करने की विधि। गुरुजी, सुगंधा ने अपनी मधुर आवाज में मुझसे कहा, आप आचमन एवं स्नान आदि करके प्रणव का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें, फिर पूजा के कमरे के द्वार को फट इस मंत्र के द्वारा जल से सींच दे। इसके बाद हांग बीज सहित नंदी आदि द्वारपालों की पूजा करें। द्वार पर उदुम्बर, बेल या कदम आदि के किसी भी पवित्र पौधे को जो गमले में स्थापित हो द्वार पर रख दें। गुरुजी, पौधे लगाने की विधि भाग 8 में मैंने बताई थी। गुरुजी, सुगंधा ने मुझसे कहा, आपको पौधा को स्थापना करके उसके ऊपरी भाग में गणपति, सरस्वती और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पौधे की दाहिनी शाखा पर नंदी और माँ गंगा की पूजा करें तथा वाम शाखा पर महाकाल एवं यमुना जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको आसपास किसी और की उपस्थिति महसूस हो या अचानक ठंडी या गर्मी का अनुभव महसूस होने लगे तथा तेज दुर्गंध या शरीर रोंगटे खड़े करने हो लगे या ऐसा संभव हो तो तत्काल अपनी दिव्य दृष्टि या आज्ञा चक्र के माध्यम से दिव्य विघ्नों का उच्चारण या निवारण करना चाहिए। मैं कुछ बोलता सुगंधा ने पहले ही बोल दिया, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और मेरी अनुपस्थिति में योगिनी शक्तियाँ भी अदृश्य रूप से आपकी रक्षा के लिए हैं। मैंने सुगंधा से पूछा कि अगर किसी साधक के पास ऐसी कोई देवी शक्तियाँ ना हो तो वह क्या करे। तब सुगंधा ने बताया कि गुरुजी, ऐसा साधक अपने गुरु की शरण में ले या गरुण की शरण में जाए। अगर किसी साधक के चक्र जागृत नहीं है तो साधक अपने गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र पढ़कर सभी दिशाओं में उसके ऊपर फूल फेंक कर प्रहार करे और यह भावना करे कि आकाशचारी सारे विघ्न दूर हो गए हैं और अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम करे और इस पूजा की सहायता के लिए धन्यवाद करे और अपने गुरु से प्रार्थना करे कि हे गुरुदेव, क्योंकि मुझे आज आज्ञा चक्र की शक्तियां अभी प्राप्त नहीं हुई, अतः जिस प्रकार आपने आकाशचारी सभी विघ्नों को दूर कर दिया है, आप भूतलवर्ती सभी विघ्नों को भी दूर करने में मेरी सहायता करें। इसके बाद साधक अपने गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र 3 बार पढ़ते हुए दाहिने पैर की एड़ी से 3 बार भूमि पर आघात करें और इस प्रकार साधक के सभी विघ्नों का निवारण हो जाता है। सुगंधा ने आगे बताया, गुरुजी, तत्पश्चात आपको पूजा के कमरे की देहली को लांघकर पूजा के कमरे में प्रवेश करना चाहिए। द्वार पर रखे पौधे की वाम शाखा का आश्रय लेकर दाहिने पैर से कमरे में प्रवेश करें और उस पौधे में गुरु मंत्र या अस्त्र संबंधी मंत्रों का न्यास करें। पूजा के कमरे के मध्य भाग में भगवान शिव की पीठ या चौकी की स्थापना करें और आधार भूमि में ओम हांग वाचस्पतिदेवाय ब्रह्मणे नमः इस मंत्र को वास्तु देवता की पूजा इससे करें। सुगंधा ने मुझसे कहा, गुरुजी, इस प्रकार पूजा के कमरे में आपको प्रवेश करना चाहिए। पूजा के लिए शुद्ध जल की प्राप्ति कैसे करेंगे? गुरुजी, सुगंधा ने मुझसे कहा कि इस विधि को जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान शिव की पूजा में भगवान को स्नान कराने की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है जो कि शुद्ध जल के बिना संभव नहीं। सुगंधा ने बताया, गुरुजी की निरीक्षण आदि शस्त्रों द्वारा शुद्ध किए हुए बाल्टी और लोटा लेकर भावना द्वारा आपको भगवान शिव से आज्ञा प्राप्त करके मौन होकर गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर जाना चाहिए। वहां अपने शरीर को पवित्र करके
गायत्री मंत्र का जप करते हुए लोटे के मुख पर स्वच्छ कपड़ा लपेट कर नदी का जल छान कर अपनी बाल्टी में भरे। अगर नदी तट बहुत दूर है या निवास स्थान से तो फिर बाल्टी के स्वच्छ जल डालकर गायत्री मंत्र का जप करते हुए गंगा जल में मिला लेना चाहिए तथा माता गायत्री या यूं कहिए माँ भागीरथी का आह्वान उस जल में करना चाहिए। माँ गंगा का स्त्रोत पढ़कर माता से प्रार्थना करें कि हे माता, भगवान शिव की आराधना करने में मेरी सहायता कीजिए। अपने पुत्र को आशीर्वाद दीजिए माता, मैं आपका आवाहन करता हूँ। और इस प्रकार उस बाल्टी के जल को गंगा जल की तरह पवित्र बना लें और कुछ जल की बूंदे अपने ऊपर भी छिड़क लीजिए और खुद को पवित्र कर तत्पश्चात गंध, अक्षत, पुष्प आदि सब द्रव्यों को अपने पास एकत्रित करके रख लें। शरीर की शुद्धि कैसे करेंगे? शरीर की शुद्धि सिर्फ ये विधि उन्हीं लोगों के लिए है जिनका चक्र जागृत हो चुके हों या जिन्हें कोई बड़ी शक्ति सिद्ध है। बड़ी शक्ति से यहाँ तात्पर्य कोई दैवी शक्ति, क्योंकि गुरुजी मेरे चक्र अभी जागृत नहीं है तो चंद्रदेव का ध्यान करके ही अपना शरीर शुद्ध कर लेता हूँ। ये विधि भाग 7 में भगवान नारायण की पूजा में बता चुका हूँ। गुरुजी सुगंधा ने अपने मधुर आवाज में मुझसे कहा कि शरीर में शून्य का चिंतन करते हुए 5 महाभूतों क्रमशः आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी का शोधन करें। पैरों के दोनों अंगूठों को पहले बाहर और फिर भीतर से शून्य करके देखें। फिर कुंडलनी शक्ति को मूलाधार से उठाकर हृदय कमल अनाहत चक्र से संयुक्त करते इसका चिंतन करें। मेरे हृदय भ्रमे अनाहत चक्र में स्थित अग्नि, तुम तेजस्वी हो, तुम्हारे हूं बीज में मेरी कुंडलनी शक्ति विराज रही है। इस प्रकार ध्यान लगाकर आप अपनी प्राणवायु का अवरोध करें और हूं फट के उच्चारण पूर्वक क्रमशः आगे के चक्रों को यानी विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र को भेद कर कुंडलनी को ब्रह्म ध्रम यानी असहस्त्रार चक्र में ले जाकर स्थापित करें। इस प्रकार कुंडलनी शक्ति के साथ होम बीज भी आपके सहस्त्रार चक्र में स्थापित हो जाएगा, जो कि चेतना जीव स्वरूप है और आपके सूक्ष्म शरीर का ही एक अंश है। प्रकृति के द्वारा हृदय स्थित होम बीज का पूरक प्राणायाम के माध्यम से चैतन्य भाव जागृत किया गया है। सहस्त्रार चक्र में होम का न्यास करके शुद्ध बीज बिंदु जीव का चिंतन करें। फिर प्राणवायु अवरोध करके उस एकमात्र चैतन्य गुण से युक्त जीव के अनंत यानी शिव के से उसको जोड़ लीजिए। इस प्रकार अपनी पार्थिव देह के साथ साथ अपनी शुद्ध चर्म की भी शुद्धि करनी चाहिए। मैंने सुगंधा से कहा, गुरुजी अभी तो मैं सक्षम नहीं हूँ इस क्रिया को करने में। सुगंधा ने कहा, समय आने पर सक्षम हो जाएंगे, माँ भगवती पर भरोसा रखिए। अब भगवान शिव या परम शून्य अनंत में ध्यान लगाने की विधि कैसे करेंगे? सुगंधा की मीठी और मधुर आवाज में मुझे कहा कि शिव ही परम शून्य है, शिव ही अनंत है। शिव में लीन होने के लिए जो ध्यान लगाया जाता है इसे सबीज रेचक या निस्सारण भी कहते हैं। गुरुजी निस्सारण आत्मक शरीर के बारे में भाग 8 में मैं बता चुका हूँ, जो कि तेजस शरीर का दूसरा प्रकार है। गुरुजी सुगंधा ने कहा कि पुराणों में भी इसका वर्णन है, परंतु अलग अलग पुराणों में इसकी विधि अलग अलग प्रकार से बताई गई है, जिससे साधक भ्रमित हो जाते हैं और पुराणों को झूठा या गलत कहना प्रारंभ कर देते हैं। ये एक योगी गुरु और धर्मात्मा ऋषि जिसने सभी पुराणों का अध्ययन पूरी गहनता के साथ किया हो वही बता सकता है कि पुराणों में लिखी हुई विधि 100% सत्य है। बस उन विधियों को सही क्रम में जोड़ने की आवश्यकता है। मगर वेदों में निस्सारण ध्यान यानी सबीज ऋचक का संपूर्ण और विस्तृत वर्णन मंत्रों के रूप में दिया गया है। मेरी बताई हुई इस वैदिक विधि से अगर रोज ध्यान लगाएंगे तो अवश्य ही कुछ समय के पश्चात आपके शरीर के सभी चक्र धीरे धीरे जागृत होने लगेंगे। सुगंधा ने आगे बताया, गुरुजी की भूमंडल पर चतुष्कोण है, इसका रंग स्वर्ण के समान पीला है और कठोर होने के साथ ही वज्र के चिन्ह से यह हांग इस भू बीज से युक्त है। इसकी निवृत्ति नामक कला है। शरीर में पैर से लेकर घुटने तक भूमंडल स्थित है तथा 5 गुणों से युक्त है। इस प्रकार शोधन करके गुणों की प्राप्ति के लिए ध्यान लगाएं। हम जैसे जैसे तत्वों की ओर बढ़ते जाएंगे हमारा ध्यान स्वतः ही गहराता जाएगा। जल का स्वरूप अर्धचंद्राकार है, यह द्रव्य स्वरूप है, चंद्रमंडल में है। इसकी कांति का वर्ण उज्ज्वल है, यह 2 कमलों में से चिन्हित है और हींग से इस बीज से युक्त है। प्रतिष्ठा नामक कला के स्वरूप को प्राप्त है, यह वामदेव और तत्पुरुष मंत्रों से जल तत्व 4 गुणों से युक्त है। इस प्रकार घुटने से नाभि तक जल का विस्तार है। इस प्रकार जल तत्व का शोधन करके गुणों की प्राप्ति के लिए ध्यान लगाइए रखिए। फिर अग्नि मंडल आता है, त्रिकोणाकार है जो कि, और इसका वर्ण लाल है, नाभि से हृदय तक इसकी स्थिति है, स्वस्तिक के चिन्ह से युक्त है। इसमें होम बीज अंकित है, यह विद्या कला स्वरूपित है
विद्या कला ही इसका अघोर मंत्र है तथा यह तीन गुणों से युक्त है। यह जल भूत है और इस प्रकार चिंतन करते हुए अग्नि तत्व का शोधन करते हुए गुणों की प्राप्ति के लिए ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद वायुमंडल षटकोणाकार है, शरीर के हृदय से लेकर भवों के मध्य आग्रह चक्र की उसकी स्थिति और यह 6 बिंदुओं से चिन्हित है। इसका रंग काला है और हैंग बीज से सद्धोजात मंत्र से युक्त है। शांति कला स्वरूप है, इसमें 2 गुण है, पृथ्वी भूत है। इस प्रकार चिंतन करते हुए वायु तत्व का शोधन करें और गुणों की प्राप्ति के लिए ध्यान लगाए रखिए। आकाश का स्वरूप व्योमाकार नाद बिंदु में प्राप्त है, शक्ति विभूषित है और शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल है। शरीर में भौहों के मध्य भाग में से लेकर सहस्त्रार चक्र तक स्थित है। यह ह्रौम फट यह बीच से युक्त है और शांतितीत कलामय को प्राप्त है। शांतितीत कलामय के भीतर 4 कलाएं आती हैं, इंदिका दीपिका रेचिका और मोचिका। आकाश एक गुण से युक्त और परम विशुद्ध है। इस प्रकार चिंतन करते हुए आकाश तत्व का शोधन करें और उस एक परम गुण और परम विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाए रखिए। और इस प्रकार ध्यान के सभी तत्वों के गुणों को एक एक करके प्राप्त किया जाता है और जब तक आप ध्यान में बहुत गहराई तक पहुंच चुके होंगे यही मार्ग परम शिव या परम शून्य को प्राप्त करने का है। भगवान से स्वयं को इसी प्रकार जोड़ा जाता है। इसके बाद धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आइए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। पूजा की तैयारी और विधि कैसे करेंगे? सुगंधा ने अपनी मधुर आवाज में मुझसे कहा, गुरु जी स्वर्ण रजत और ताम्र पत्रों में से किसकी पात्र या लोटे का अर्ध लेकर उसे अस्त्र बीज फट के उच्चारण पूर्वक से जल से धोएं और बाल्टी में रखे गंगा जल को छिड़क कर पवित्र कर दीजिए। फिर हृदय मंत्र नमः के उच्चारण पूर्वक उसे बाल्टी में रखे गंगा जल से भर दें। इस अर्ध पात्र का पूजन करें और भगवान शिव के मूल मंत्र से अभिमंत्रित कर दीजिए। तत्पश्चात अस्त्र फट से उसकी रक्षा के कवच बीज हुम के द्वारा अर्ध पात्र को अवगुणित कर देना चाहिए और पूरी पूजा में आप इसी लोटे से भगवान को जल अर्पित करेंगे। सुगंधा ने मुझसे कहा, गुरुजी ये लोटा अब आपका नहीं रह गया, ये भगवान का हो चुका है, इसे पूजा के कमरे से बाहर नहीं निकालना है आपको। इसके बाद अमृता यानी धेनु मुद्रा के लिए धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करके अपने आसन पर पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात पद्म आचमम अर्ध पंचगव्य गंध धूप दीप नैवेद्य करतोर्धन चंदन या चंदन से मिला हुआ जल भी जिसे कहते हैं तांबुल पान के पत्ते मुखवास इलायची आदि सारी पूजन सामग्री इकट्ठा करके अपने आसन के पास रख लें और अर्धपात्र के जल से अस्त्राय फट मंत्र का उच्चारण करते हुए जल छिड़क कर पूजन सामग्री को भी पवित्र कर दें। सुगंधा मेरे सर पर हार फेरती हुई समझाते हुए बोली, गुरुजी स्नान भगवान की पूजा होम भोजन यज्ञ अनुष्ठान योग साधना और आवश्यक जप के समय आपको सदैव मौन रहना चाहिए। अब शिवलिंग के शुद्धिकरण की विधि आती है। सुगंधा ने मुझसे कहा, गुरुजी क्योंकि अभी आपके पास शिवलिंग नहीं है, आप शिवलिंग लेकर के आएंगे और सबसे पहले उसका शोधन करना पड़ेगा, उसके बाद आप शिवलिंग में भगवान का आवाहन करेंगे और नित्य पूजा करेंगे, यही सही नियम है। इसके लिए किसी भी मंदिर में पूजित शिवलिंग से कुछ पुष्प भगवान की अनुमति लेकर निकाल लें। भगवान से निवेदन करें कि प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपके शिवलिंग के शुद्धिकरण के लिए आपके मस्तक पर चढ़ा हुआ पुष्प प्राप्त करना चाहता हूँ, अनुमति दीजिए प्रभु। और इस प्रकार निवेदन द्वारा एक पुष्प किसी भी पुष्पित पूजित शिवलिंग से प्राप्त कर लें। अगर किसी ज्योतिर्लिंग का पुष्प मिल जाता है तो उससे उत्तम कुछ भी नहीं। उसके बाद बनाए हुए पंचगव्य से भगवान को स्नान करवा दीजिए और फट का उच्चारण करके बाल्टी में रखे गंगा जल से स्नान कर फिर नमोह मंत्र का उच्चारण अर्ध पात्र से जल से भगवान का अभिषेक कीजिए और उस पुष्प को ईशान कोण की ओर चंडाय नमः भगवान को समर्पित कर दें। इस पूरी प्रक्रिया को ही शिवलिंग शोधन या शुद्धिकरण करना कहा जाता है। इसके बाद अपने आसन पर बैठ जाइए, मस्तक पर तिलक लगाकर संस्कार युक्त हो जाइए यानी यज्ञोपवीत धारण कीजिए। सुगंधा ने मुझसे कहा, गुरुजी कि अब पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, विघ्नों का निवारण यानी प्रेत और पिशाचों का निवारण, जल का शुद्धिकरण, द्रव्य यानी पूजन सामग्री का शुद्धिकरण, आत्मा मन शरीर सूक्ष्म शरीर ध्यान के माध्यम शुद्धिकरण, शिवलिंग का शोधन आप कर चुके हैं, अब आसन में बैठकर पूजा आरंभ कीजिए। सबसे पहले देवी देवताओं की पूजा विधि। गुरुजी सुगंधा ने मुझसे कहा कि भगवान की पूजा से पहले सभी देवों का पूजन कर लेना चाहिए। वायव्य कोण में ओम हांग गणपते नमः कहकर गणेश जी की पूजा करें और ईशान कोण में ओम हांग गुरुभ्यो नमः कहकर परम गुरु परात्पर गुरु परम श्रेष्ठ गुरु सभी गुरु पंक्ति की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान के सिंहासन रूप में जो चौकी है उसके 4 पाए हैं
इनके वर्ण क्रमशः कपूर, कुमकुम, सवर्ण और काजल के समान है। अग्निकोण में पाए गए मैं धर्म को प्रणाम करता हूँ, नृत्य कोण में पाए गए ज्ञान को प्रणाम करता हूँ, वायव्य कोण में पाए गए वैराग्य और ईशान्य कोण में पाए गए ऐश्वर्य को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद पीठ की पूर्वी दिशा में क्रमशः अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनिश्वर और को भी प्रणाम कर लें। इस प्रकार पीठ के मध्य में कमल की पूजा करें और मन ही मन कमलमय आसन का ध्यान करके उस सच्चिदानंद भगवान शिव का आवाहन करें। तत्पश्चात ओम हाम कर्णिकाय नमः कहकर उस कमल के 8 दलों में तथा केसर भाग में 9 पीठ शक्तियों की पूजा करनी चाहिए, जिनके नाम है वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, काल विकारिणी, बल विकारिणी, बल प्रमथिनी, सर्वभूत मदनी, दमनी तथा मनमोन मनी, यानी इन सभी देवियों की पूजा करनी चाहिए। वामा आदि 8 शक्तियों का कमल के 8 दलों में और मनमोनमयी देवी की पूजा कमल के केसर भाग में की जाती है। इसके बाद चतुर्मुख ब्रह्मा भगवान नारायण की भी स्तुति और वंदना कर लें और सारे दिक्पालों को प्रणाम करके फिर देवगणों की पूजा करनी चाहिए। भगवान की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की विधि कैसे करेंगे? गुरुजी, सुगंधा ने मुझसे कहा था कि भगवान के सिंहासन पर 5 मुखों में सुशोभित भगवान महादेव की प्रतिष्ठित करें। उनकी 10 भुजाएं अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं। उनके दाहिने हाथ में शक्ति, वृष्टि, शूल, खड़ग और वर्ध मुद्रा है और बाएं हाथ में डमरू, भिजोरा, नींबू, सर्प, अक्षसूत्र और नील कमल धारण किए रहते हैं। आसन में विराजमान भगवान शिव की यह दिव्य मूर्ति 32 लक्षणों से संपन्न है। ऐसा चिंतन करके स्वयं प्रकाश शिव का स्मरण करते हैं। ओम हांग 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 शिव मूर्तये नमः कहकर भगवान को प्रणाम करें। फिर यह चिंतन करें कि ललाट के मध्य में विराजमान तारापति चंद्रमा के समान प्रकाशमान विद्य स्वरूप भगवान शिव हृदय आदि 6 अंगों से संयुक्त हो इस मूर्ति में उतर आए हैं। ऐसा ध्यान करके उन्हें प्रत्यक्ष पूजनीय मूर्ति में स्थापित कर दें। इसके बाद ओम हांग ह्रौं शिवाय नमः मंत्र बोलकर मन ही मन आवाहनी मुद्रा के द्वारा मूर्ति में शिव का आवाहन करें। फिर स्थापित मुद्रा द्वारा वहां उसकी स्थापना करें और सन्निधारणीकरणी मुद्रा द्वारा भगवान की समीपता की अनुभूति करें और संग निरोधनी मुद्रा द्वारा उन्हें उस मूर्ति में अवरुद्ध करा दें। गुरुजी, सुगंधा ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि आवाहन का अर्थ होता है सादर सम्मुखीकरण करना, प्रभु को अपने सामने प्रकट होने के लिए विनती करने को ही आवाहन किया जाता है या कहा जाता है, और भगवान को अर्चना विग्रह में बैठाना ही उनकी स्थापना कहलाती है तथा प्रभु मैं आपका हूँ ऐसा कहकर भगवान के सन्निकट संबंध स्थापित करने को सन्निधान या सन्निधापन कहा जाता है। जब तक पूजन संबंधी कर्मकांड चालू रहे तब तक भगवान की समीपता बनाए रखने को ही निरोध कहते हैं। अब सरलीकरण की विधि। गुरुजी सुगंधा ने अपनी मधुर आवाज में गाते हुए मंत्रों का उच्चारण शुरू किया जिसे सुनकर मैं बस मंत्र मुग्ध रह गया। हृदय नमः, शिर से स्वाहा सिखाए, वषट कवचाय हो, नेत्राय वषट अस्त्राय फट। गुरुजी सुगंधा ने मुझसे कहा कि इन 6 मंत्रों के द्वारा भगवान के हृदय आदि अंगों की एकता मूर्ति में स्थापित करने की प्रक्रिया को सरलीकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को भी अमृतीकरण भी कहा जाता है। चैतन्य शक्ति भगवान शंकर का हृदय है, 8 प्रकार के ऐश्वर्य उनका सिर है, वशित्व उनकी शिखा है, अभेद्य तेज भगवान का कवच है, उनका दुस्सह प्रताप ही समस्त विघ्नों का निवारण करने वाला अस्त्र है। हृदय आदि अंगों के साथ नमः, स्वधा और स्वाहा, इन सबको आपको प्रणाम करना चाहिए। भगवान की पूजा विधि। गुरुजी सुगंधा ने अपनी मीठी और मधुर आवाज में मुझसे कहा कि पद्म को भगवान के चरण बिंदु में, आचमन को मुखार बिंदु में, अर्ध दूर्वा पुष्प और अक्षत को भगवान के मस्तक पर चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार गंध पुष्प भी अर्पित कर विधि पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। अर्ध जल की बूंदों और पुष्प आदि से मूर्ति का अभिषेक करें। तत्पश्चात शिवलिंग में राई, लोन आदि से उपटन और मार्जन करके बाल्टी में भरे गंगा जल से धीरे धीरे भगवान को स्नान करें। शिवलिंग को दूध, दही, घी, मधु इत्यादि से ईशान, तत्पुरुष, अघोर, महादेव, सद्धोजात इन 5 मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर बारी बारी से स्नान करवाएं। तत्पश्चात सभी द्रव्यों को परस्पर मिलाकर पंचगव्य बना लें और भगवान को नहलाएं। इससे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात दूध, दही आदि में गंगा जल और धूप मिलाकर भगवान के किसी भी स्रोत को पढ़ते हुए भगवान को स्नान करवाना चाहिए। शुरू जी सुगंधा ने मुझसे कहा कि अगर शिवलिंग के ऊपर चिकनाई आ गई है तो पंचगव के कारण तो जौ के आटे द्वारा चिकनाई को मिटा दें
और बाल्टी में रखे गंगा जल से स्नान करवा दें। इसके बाद साफ कपड़े से भगवान की श्री विग्रह की अच्छी तरह पहुंचे, उसके बाद अर्ध्य निवेदन करें और भगवान के ऊपर से कभी हाथ नहीं घुमाना चाहिए। शिवलिंग के मस्तक भाग को कभी भी पुष्प से वंचित नहीं रखना चाहिए, हमेशा उनके मस्तक पर पुष्प होना चाहिए। भगवान को स्नान करवाने के बाद वस्त्र और यज्ञोपवीत भगवान को धारण करवा देना चाहिए। फिर शिवलिंग पर चंदन लोली का अनुलेप करके शिव संबंधी मंत्र या स्त्रोत बोलकर पुष्प अर्पित करें। धूप से पात्र को अस्त्र मंत्र फट से पवित्र करके शिव मंत्र से धूप द्वारा पूजन करें। भगवान को नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात गंगा जल से युक्त पवित्र जल से भगवान का आचमन करवा दें। उसके बाद देवादिदेव के मस्तक पर दूर्वा अक्षत पवित्रक चढ़ाकर ओम नमः शिवाय 108 बार मंत्र का जाप करें। गुरु जी सुगंधा ने कहा कि प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, गुप्त से भी अति गुप्त रहस्य को जानने वाले आप ही प्रभु, आप मेरे इस किए हुए जप को ग्रहण कीजिए, जिससे आपके रहते हुए आपकी कृपा से मुझे सिद्धियां प्राप्त हो। मैं कल्याण स्वरूप आपके चरणों की शरण में आया हूँ, अतः सदा हम जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म करते आ रहे हैं उन आपको आप नष्ट कर दीजिए प्रभु, निकाल फेंकिए प्रभु। ओम छः। शिव ही दाता है, शिव ही भोक्ता है, शिव ही संपूर्ण जगत है, शिव की सर्वत्र जय हो, जो शिव है वही मैं हूँ। इस प्रकार भगवान को प्रणाम करें और अंत में भगवान की परिक्रमा करके प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करें। गुरु जी सुगंधा ने मुझसे कहा कि इस प्रकार देवादिदेव महादेव की पूजा करने से सभी प्रकार के रोग और बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है तथा मन आत्मा और शरीर को असीम शांति की प्राप्ति होती है तथा घर और परिवार के समस्त क्लेश नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार के वास्तु दोष भूत प्रेत संबंधी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है। साधक को परम सिद्धि की प्राप्ति होती है और साधक मोक्ष का अधिकारी बनता है। गुरु जी इस पूजा का आखिरी भाग यानी 11वां भाग जो है वो हवन की विधि है जो कि वैदिक है, इसलिए थोड़ी लंबी भी है। सुगंधा के मुताबिक गुरु जी हम किसी देवी देवता का हवन करते हैं तो केवल मंत्र बदल जाते हैं परंतु विधि वही रहती है जो सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग से चली आ रही है। और सुगंधा ने मुझे जोर देते हुए कहा कि आप मेरी बताई हुई विधि से ही हवन करेंगे। गुरु जी हवन विधि अगले पत्र में बताऊंगा, यहाँ पर अगर लिखता तो पत्र काफी लंबा हो जाता। और आखिरी में दरअसल सुबह से एक निवेदन है कि अगर आप लोग किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा है, परंतु घर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो पूजा का कमरा एक अलग जरूर बना लीजिए जो कि सिर्फ महादेव और देवी देवताओं का होगा। कभी भी शिवलिंग को अपने बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, शिवलिंग बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि जितना बड़ा शिवलिंग होगा उनकी ऊर्जा भी उतनी ही अत्यधिक होगी। और जैसा कि हम जानते हैं किसी भी ऊर्जा को सहने के लिए हमें कड़े नियम और कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता है जो कि इस कलयुग में लगभग असंभव ही है। छोटे शिवलिंग की भी अगर नित्य पूजा पूर्ण भावना और अटूट श्रद्धा से की जाए तो उसमें भी उतना ही फल प्राप्त होता है। गुरु जी आशीर्वाद की कामना करते हुए आपके चरणों को स्पर्श करता हूँ और आज का पत्र यहीं समाप्त करता हूँ। माता रानी की जय हो, माता रानी सबका कल्याण करे। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर इन्होंने अपना पत्र समाप्त किया है और बताया है कि किस प्रकार से भगवान शिव की वैदिक विधि से पूजा की जा सकती है। तो अगर ये अनुभव आपको पसंद आया है साथ ही साथ जानकारी भी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।